जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ जो कल से ओपन होने जा रहा है उसका रिव्यू करने जा रहे हैं। समझेंगे कि हमें इसमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, और अप्लाई करना भी है तो क्या देखें और किस डेट में हमें अप्लाई करना है। देखिए, भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है, तो जब जब भारत का सबसे बड़ा आईपीओ आता है, यानी कोई मेगा आईपीओ आता है, तो मार्केट में उसका एक अलग क्रेज होता है। इसलिए इस तरह के आईपीओ में जब पैसा लगाना हो तो काफी सोच समझ के पैसा लगाना होता है। और हिस्ट्री ये कहते हैं कि अब तक जो सबसे बड़ा आईपीओ जो आए हैं भारत में, उनकी लिस्टिंग कुछ अच्छी नहीं हुई है। तो इसलिए ये आईपीओ का रिव्यू काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए चलिए इस वीडियो को हम लोग आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस आईपीओ के जरिए कंपनी टोटल 27,870 करोड़ रुपए मार्केट से उठाने जा रही है। और सबसे दिक्कत की बात है कि ये जो पैसा कंपनी आईपीओ के जरिए उठा रही है, ये कंपनी के विकास कार्यों में नहीं लगेगा। टोटल ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि जो कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं, जो लोग अपना शेयर बेच के इस पैसा को उठा रहे हैं, सारे का सारा पैसा उनके जेब में जाएगा। आसान भाषा में कहें तो ये पैसा भारत से उठ के साउथ कोरिया में जाएगा, क्योंकि साउथ कोरिया की ही मेन कंपनी है। भारत में हुंडई मोटर्स इंडिया के नाम से लिस्टिंग होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है साउथ कोरिया कंपनी है, भारत के मार्केट में लिस्ट हो रही है, तो उसमें भारत का नाम आना जरूरी है। यहाँ पे मर्चेंट बैंकर्स कौन कौन से, उनका नाम दिया हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा तो आगे होता है, जो भी आईपीओ आता है उनको मैनेज करने में ज्यादा देखेंगे, कोटक महिंद्रा का ही नाम आगे होता है। इसके अलावा और भी नाम है, यहाँ पे सिटी ग्रुप का भी नाम है, एचएसबीसी बहुत बड़ा बैंक है, ये खासकर पैसों को मैनेज करने के लिए ही जाना जाता है, तो वो उनका भी इसमें नाम है ये इस आईपीओ को, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा आईपीओ, तो जाहिर सी बात है बड़े बैंक से इसमें आगे रहेंगे। हुंडई मोटर्स आईपीओ का डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है, देख सकते हैं। आईपीओ ओपन होगा 15 अक्टूबर से, यानी कि कल से ओपन होगा, और 17 अक्टूबर के शाम 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फेस वैल्यू रखा गया 10 रुपए पर शेयर, और प्राइस बैंड रखा गया 1,865 रुपए से 1,960 रुपए के बीच। सबसे जो विवाद वाली चीज इस आईपीओ में वही है, माना जा रहा था कि आईपीओ का जो प्राइस बैंड रहेगा 1,000 रुपए से लेकर 1,200 के आसपास रहेगा। अगर इस प्राइस रेंज में होता तो काफी बढ़िया होता, लेकिन कंपनी ने काफी महंगा वैल्यूएशन एक प्रकार से रखा हुआ है। क्योंकि देखिए, हुआ क्या है कि इस कंपनी के तीन बड़े कंपटीटर्स जो ऑलरेडी हमारे इंडियन मार्केट में है, मारुति सुजुकी, एमएम और यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, और टाटा पावर, टाटा मोटर्स, तो इनका जो पी है देखेंगे, और इनके पी के हिसाब से इनका जो वैल्यूएशन है और शेयर का प्राइस है, और चूंकि ये कंपनी ऑलरेडी कई गुना कमा के हमारे देश में दे चुकी है, उनसे भी ज्यादा वैल्यूएशन पे, उनसे भी ज्यादा महंगा पी पे हुंडई मोटर्स जो है अपना आईपीओ लेके आ रहा है, और शेयर प्राइस भी आप देख सकते हैं, तो वैल्यूएशन वाइज तो काफी महंगा है, इसलिए लोग इस आईपीओ में पैसा लगाने से डर रहे हैं। और दूसरी बात जो मैंने शुरू में कही कि जब जब भारत का बड़ा आईपीओ आता है, तो मार्केट में इतिहास ये रहा है कि उनकी लिस्टिंग अच्छी नहीं हुई है, तो ये भी एक चीज है जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। जरूर नहीं कि आगे ऐसा ही हो, लेकिन ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि 27,000 करोड़ रुपए मार्केट से कंपनी उठाने जा रही है, उसके लिए कंपनी ने टोटल 14,21,94,700 शेयर्स मार्केट में बेचने का फैसला किया है, जो इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर्स हैं। यदि आप हुंडई मोटर्स में काम करते हैं भारत में, या साउथ कोरिया में और भारत में रहते हैं, तो आपको 186 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 1,865 रुपये जो इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी रखा गया प्राइस में, उसमें 186 रुपये आपको कम देने पड़ेंगे। एक बात यहाँ पे आपको समझना होगा कि जब आप अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए हमेशा जो मैक्सिमम प्राइस होता है आईपीओ में, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है, तभी आपके आईपीओ में लिस्टिंग गेन मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। यदि आप मिनिमम प्राइस पे सिलेक्ट करते हैं, तो ऑलरेडी देखिए आपको पता है कि आईपीओ है तो ओवर सब्सक्राइब तो होगा, तो जो लोग मिनिमम प्राइस सिलेक्ट किए होते हैं उनका नंबर नहीं आता, जो लोग मैक्सिमम प्राइस पे आईपीओ को सिलेक्ट करते हैं उनका ही नंबर आता है, उनको ही आईपीओ मिलता है। बुक बिल्डिंग आईपीओ, बुक बिल्डिंग आईपीओ उसे कहते हैं जिसमें दो प्राइस रेंज रखा जाता है। तो आजकल जो भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है उसमें डबल प्राइस रेंज होता है, ताकि लोग अपने सहूलियत के हिसाब से प्राइस चुन सके, इसलिए ऐसे आईपीओ को बुक बिल्डिंग आईपीओ कहा जाता है। लिस्टिंग BSE NSE दोनों पे होगी। जैसे मैंने बता दिया ओपन कब से होगा और क्लोज कब होगा, यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जिसको आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है उससे 18 अक्टूबर को अलॉटमेंट मिल जाएगा, और जिसको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 21 अक्टूबर को उनका उनके जो रुपए हैं वो रिफंड हो जाएंगे, और आपके डिमिट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे मंडे 21 अक्टूबर को, और 22 अक्टूबर को ये लिस्टिंग हो जाएगा, यानी कि 22 अक्टूबर से शेयर मार्केट में ट्रेड होने लगेगा। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 17 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज आप समझ लीजिए कि हुंडई मोटर्स में जो लॉट साइज है 7 शेयर का एक लॉट है, यानी कि यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 7 शेयर आपको बाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको जो रुपए देने होंगे 13,720 रुपए देने होंगे। और अगर हम लोग रिटेल कैटेगरी से चूंकि आते हैं छोटे नहीं हो सके, तो हम मैक्सिमम 14 लॉट के लिए ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 1,92,000 रुपये। सिर्फ इसी आईपीओ की बात नहीं है, किसी भी आईपीओ में अगर रिटेल कैटेगरी से आप अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। HNI के लिए ये कोटा अलग अलग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और
अगर आप बहुत बड़े इंडिविजुअल नेटवर्क से आते हैं, आपके पास बहुत पैसा है, तो इतना रुपया आप इसमें लगा सकते हैं। हालांकि अब मेन चीज ये है कि क्या हम इसमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। देखिए, मैं पर्सनली इस आईपीओ में पैसा नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज ये काफी महंगा रखा गया है इसका शेयर प्राइस, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। दूसरा, अभी तक की हम हिस्ट्री देखते हैं तो जितने भी बड़े आईपीओ आए हैं उनकी लिस्टिंग अच्छी नहीं है, ये एक चीज तो है। चूंकि देखिए, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसको ध्यान में रखकर चलना होगा। तीसरा चीज, मार्केट में जब से इस आईपीओ का जो प्राइसमेंट तय किया गया है, जीएमपी काफी नीचे चला गया है। अभी तक देखेंगे तो जीएमपी जो शुरू में जब इसका प्राइसमेंट तय नहीं हुआ था, वहां से लेकर अभी तक जीएमपी 89% क्रैश हो चुका है। और मार्केट में अभी इसका जो जीएमपी है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो 45 रुपए के आसपास चल रहा है। तो इसलिए, तो ऐसे सिचुएशन को देखते हुए उसमें पैसा लगाना ठीक तो नहीं होगा। बाकी आप फिर भी लगाना चाहते हैं तो लास्ट डे तक वेट कीजिए, लास्ट डे तक वेट कीजिए। सब्सक्रिप्शन अगर 2 गुना 3 गुना हो जाता है, ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन ये हो जाता है, तब आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। बाकी अगर मन में कोई सवाल है इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।